हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे। इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम आपको बहुत ही आसान स्टेप में बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन करेंगे। हम अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और 916 वाला साइज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिटिंग पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, फिल स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी फोटो हम काइंड मास्टर में ऐड करेंगे सारे फोटो का साइज ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। हमें किसी भी तरह का फोटो का साइज नहीं सेट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपना कोई 6 फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए अपना फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम अपना फोटो सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने दो फोटो के बीच ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, स्पीड टर्न वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इफेक्ट नहीं है तो आप गेट मोर पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम पहले नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसकी टाइमिंग को हम 0.5 कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाएंगे। इसके लिए फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे, स्पीड टर्न वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी भी टाइमिंग हम 0.5 कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह हम सारे फोटो के बीच ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, हम सारे फोटो पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लिए। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और अपने पहले नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसकी टाइमिंग को हम 14 सेकंड कर लेंगे। तो दोस्तों, अपने पहले नंबर वाले फोटो का टाइमिंग 14 सेकंड कर लिए, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे नंबर वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसकी टाइमिंग हम 2.5 कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम सारे बचे हुए फोटो का टाइमिंग 2.5 कर लेंगे। तो दोस्तों, हम सारे फोटो का टाइमिंग सेट कर लिए। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइंड मास्टर में रुक चुका। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, एक और ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइंड मास्टर में रुक चुका। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइंड मास्टर में रुक चुका। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहां पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, क्रोमा की पर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर लेंगे। फिर हम यहां पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक स्मोक का ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइंड मास्टर में रुक चुका। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर इस वीडियो को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया। तो चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लास्ट में चले आएंगे और जो भी मटेरियल हमारा बैकग्राउंड से बाहर है इसको काट के हटा लेंगे। तो दोस्तों, अगर इसे हमें सेव करना है, हम शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपना क्वालिटी सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे, हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते अगली वीडियो।